बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एन इनडिस्क्रीट स्पेस एक्स, फाइंड नंबर वन इंटीरियर, नंबर सेकंड एक्सटीरियर और नंबर थ्री बाउंड्री। ठीक है, ये हमने निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो हम जानते हैं कि इनडिस्क्रीट स्पेस एक्स पर है, तो इनडिस्क्रीट स्पेस फाई और एक्स पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो ही ओपन सेट होंगे, एक होगा फाई और एक क्या होगा एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स ए जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है। इसका मतलब है कि ए हमारा जो है वो एक्स के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए एक्स के बराबर नहीं होगा। अब हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, इंटीरियर की हमारे पास डेफिनेशन होती है, हम कोई पी पॉइंट लेते हैं ए में से। ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो बिलोंग करे किसी ओपन सेट जी में और वो सबसेट हो ए का। ठीक है, ये जो जी है वो हम टा में से लेते हैं, यानी वो पी जी में बिलोंग करे, वो सबसेट है वो ए का। ठीक है, और अब क्योंकि ए हमारे पास एम्प्टी नहीं है, ठीक है, और एक्स के बराबर भी नहीं है, तो हम जो पॉइंट लेंगे, फ़र्ज़ करें हम कोई पॉइंट पी ही ले लेते हैं। ठीक है, या आप ये समझ लो मैंने इसमें से कोई पॉइंट एक्स ले लेता हूँ, एक्स बिलोंग करेगा इस किस में बिलोंग कर सकता है इन दोनों में से, एक्स में बिलोंग करेगा और वो सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक्स हमारे पास बड़ा सेट है और ए उसका क्या है प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा इंटीरियर किसके बराबर आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, खाली सेट के बराबर आ जाएगा फाई के। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, और हम जानते हैं एक्सटीरियर बराबर होता है इंटीरियर का, इंटीरियर का कंप्लीमेंट, एक्सटीरियर ऑफ ए बराबर होता है इंटीरियर ए कंप्लीमेंट के। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि एक कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा, फर्ज मैं वाई ले लेता हूँ, वाई बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वाई किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, वो उस ओपन सेट अगर वो सबसेट हो जाता है एक कंप्लीमेंट का तो वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो ही ओपन सेट हैं, फाई में तो वो बिलोंग नहीं कर नहीं सकता, एक्स में बिलोंग करेगा, यानी वाई किस में बिलोंग करेगा ओपन सेट एक्स में, और वो ओपन सेट सबसेट नहीं होगा एक कंप्लीमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक कर नहीं सकते क्योंकि और हमारे पास ओपन सेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर ऑफ ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई। अब हमने निकालनी है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री हम जानते हैं कि अगर हम टोटल में से इंटीरियर और एक्सटीरियर को निकाल दें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बाउंड्री बाउंड्री ऑफ ए। ठीक है, इसको बी ए से भी डिनोट करते हैं, बाउंड्री ऑफ ए। ठीक है, हम टोटल हमारे पास जो है उसमें से हम इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाउंड्री आएगी। टोटल हमारे पास एक्स माइनस इंटीरियर भी हमारे पास फाई है और एक्सटीरियर भी फाई है, यानी कि अगर हम टोटल जो हमारे पास सेट एक्स है उसमें से हम खाली सेट को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सेट एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें से हम खाली सेट को माइनस कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसका फाइनल जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आया, फाई, एक्सटीरियर ऑफ ए क्या आया, फाई, और बाउंड्री क्या हमारे पास आ गई, एक्स। ठीक है, ये वीडियो इधर ही कंप्लीट हो रही है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश के अपने वालदैन की इज़्ज़त कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।